हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास होंगे, फिट फाट होंगे, लश पश होंगे और होने भी चाहिए। और मैं हूँ अतीक अहमद, मेरे साथ हैं कामरान अली। भैया सब लिए यही सोचते होंगे, हर दफ़ा नाम बताते हैं। नाम बताने वाला जो सीन है ना दोस्तों, ये उन लोगों के लिए जो नए नए चैनल पर आते हैं, ठीक है, उनको पता चले कि हमारा नाम क्या है। और आपका नाम तो हमें अगर कोई कमेंट करता है तो पता चल ही जाता है, ठीक है। तो कामरान भाई, आज जो वीडियो है, और दोस्तों को भी बताना चाहूँगा, वैसे उन्होंने तो टाइटल में पढ़ लिया होगा, हमने भी देखा है, वीडियो देखी है, टाइटल देखा, मतलब टाटा नेक्सन XMS 8 लाख रुपए, सॉरी इंडियन रुपए। अच्छा, ऑल फीचर्स रिव्यू जिप ऑफ लाइफ चैनल से ये वीडियो ली गई है। ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये वीडियो हम आज देखेंगे कि ये इस गाड़ी के बारे में क्या रिव्यूज देते हैं। टाटा, मतलब आपको पता ही होगा, काफ़ी बड़ी कंपनी है। गाड़ियों के अलावा इनके और भी काफ़ी बिजनेसेस हैं। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि दुनिया के तकरीबन 40 कंट्रीज में इनका बिजनेस है। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट और इनके साथ भी इनकी कोलैबोरेशन है। शायद जहाँ तक मेरा अंदाजा है, इंडिया में सबसे बड़ा जो बिजनेस है इनका होगा शायद। हाँ, कह सकते हैं, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट ये वो हैं, बिजनेस टाइकून कह लो, टाटा हैं, बिरला हैं और इस तरह के। तो ये मैं काफ़ी सारे जो मतलब बिल्कुल हाई फाई या तो उस तरह की फैमिलीज हैं ना, बिजनेस फैमिलीज हैं। तो गाइस रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर करें, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट्स हमारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो बगैर किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े, ठीक है। 2 साल हो गए हैं मुझे भी टाटा नेक्सोन यूज़ करते हुए, और मैं करता हूँ यूज़ XM मॉडल। बेसिकली ये नेक्सोन क्रेज है लेकिन ये XM पे ही बेस है। लेकिन ये गाड़ी जो है मेरे को परफेक्ट लगती थी। चारों पावर विंडो मिलते थे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलते थे, मैंने फोग लैंप लगवा लिए हैं, मतलब के वैल्यू फॉर मनी मिलती थी। अब टाटा 2020 में लॉन्च करता है अपनी प्यारी गाड़ी टाटा नेक्सोन का फेसलिफ्ट। वहां पे वो बेस मॉडल से ही DRL आपको मिल जाने लगे हैं, डिजाइन लैंग्वेज काफी अच्छी हो जाती है, जिनमें सुधार काफी आया है, बहुत अच्छी लगने लगी है अभी गाड़ी। लेकिन जो इनका वैल्यू फॉर मनी मॉडल था, जिसको के मैं टाटा नेक्सोन XM कहता था, वो अब वैल्यू फॉर मनी नहीं रह गया था। उसके अंदर से इन्होंने एक ऐसी चीज निकाल दी थी जो कि बहुत जरूरी थी होने वाली, वो चीज थी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, आपको चारों पावर विंडो मिल जाती थी लेकिन स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जब इन्होंने निकाल दिए तो XE से XM में आने पे कोई ज्यादा आपको फर्क महसूस नहीं होता था। हाँ, अब खेल कर दिया भाई टाटा नेक्सोन ने यहाँ पे, जब इन्होंने अभी अनाउंस किया है कि ये XMS लॉन्च कर रहे हैं। XMS क्या है? S4 स्टैंड करता है सनरूफ। जी हाँ, आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलने लगेगा अब टाटा नेक्सोन के XMS मॉडल में। अभी मैं आपको एक छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ, आपको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा टाटा नेक्सोन XM से। XMS में जब आप अपग्रेड करते हैं तो सबसे पहले आपको ऑटो हेडलैम्प मिल जाएंगे, यानी कि अंधेरा होते ही आपकी गाड़ी के हेडलैम्प अपने आप जलने लगे। DRL आपको बेस मॉडल से मिलते ही है अभी नेक्सोन के अंदर। आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिलने लगेंगे, और सबसे जरूरी जो मैं आपको बता रहा हूं कि स्टीयरिंग माउंटेड जो कंट्रोल है वो आपको XMS मॉडल में मिलने लगेंगे। और सबसे जो अट्रैक्टिव चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो है आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ इस गाड़ी के अंदर मिलने लगेगा। और प्राइसिंग सुनिए आप गाड़ी की, दिल्ली में एक्स शोरूम प्राइसेस के 8,36,000 से स्टार्ट हो जाएंगे। अब 8,36,000 में आपको क्या चाहिए? एक 5-स्टार रेटेड गाड़ी मिल जाती है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ, मतलब कि दूसरी चीज क्या मिलती है आपको? अच्छी डिजाइन लैंग्वेज मिल जाती है, अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, DRL वगैरह, आपको सनरूफ मिल जाता है। सनरूफ बहुत बड़ी चीज आजकल लोग समझने लगे हैं। और आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं, आपको मिल जाते हैं ऑटो हेडलैम्प मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको हरमन के म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है जिसकी ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी हो जाती है। हाँ, टच स्क्रीन नहीं है लेकिन ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी है, आप आराम से अपने फोन में सब कुछ देख सकते हैं अगर वीडियो वगैरह देखनी है। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, मतलब कि एकदम से परफेक्शन वाला मॉडल, नियर बाय परफेक्शन बोल सकते हैं, परफेक्ट नहीं बोल सकते कि टच स्क्रीन वगैरह होना चाहिए था, एप्पल ऑटो कारप्ले ये तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन नियर परफेक्शन इतने कम प्राइस में इन्होंने ये मॉडल सेट कर दिया है दोस्तों।
मतलब कि 8,36,000 रुपए से स्टार्ट होती है गाड़ी, और भाई साहब इतने में आप इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी के अंदर ये सारे फीचर्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है अब नेक्सोन का जो ये XMS मॉडल है ये क्या धमाल मचाने वाला है? किया की सोनेट भी लॉन्च हो चुकी है, उससे पहले हुंडई की वेन्यू है, मार्केट में ऑलरेडी इको स्पोर्ट है, विटारा ब्रेजा है, कई सारी गाड़ियां इस सेगमेंट में आती हैं, लेकिन इतने कम प्राइस में ये सारे फीचर्स अब शायद कोई नहीं दे रहा है मार्केट के अंदर। जब आप गाड़ी खरीदने जाएंगे मार्केट के अंदर और जब आप एक बार देखेंगे XMS मॉडल, यार इतने कम प्राइस पे आपको इतने सारे भर के फीचर मिलने लगेंगे और वो भी रिलायबिलिटी के साथ, क्योंकि टाटा नेक्सोन ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड कार बन चुकी है इंडियन मार्केट में। तो यहाँ पे टाटा ने वाकई में रियल में बहुत बड़ा धमाका कर दिया है दोस्तों। एक चीज मुझे अच्छी लगी कि उसमें जो बता रहे हैं कि ऑटो, यानी कि जैसे ही अंधेरा होगा तो ऑटो लाइट ऑन हो जाएंगी, ये पहली दफा मैं सुन रहा हूँ, देखना तो कामरान भाई। बात ये है कि मतलब ऑनेस्ट अब रिएक्शन की बारी आती है, बिल्कुल ऑनेस्ट रिएक्शन की बारी। वो ये है कि अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ रही है अपने मुल्क के बारे में कि हमारे यहाँ गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं, पाकिस्तान में गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं और फीचर्स भी वैसे नहीं हैं जो कि मतलब अगर आप सेम मॉडल कंपेयर करोगे होंडा का पाकिस्तान का इंडिया से सेम मॉडल कंपेयर करोगे तो प्राइस डबल है, और मोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। अब जैसे ये गाड़ी की बात कर रहे थे 8 लाख इंडियन रुपीज़ ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 19-19.5 लाख के आसपास बनता है, ठीक है। अब 19-19.5 लाख की अगर बात करें तो 19-19.5 लाख में इस तरह के फीचर्स की गाड़ी नहीं आती, जो बिल्कुल फ्रेंकली बात है, इसमें कोई वो नहीं है अपने आप को सुपरस्टिशियस बनाने का, वो नहीं है, ठीक है। और सबसे जो मुझे अच्छा, मुझे एक चीज़ की थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल क्या चीज़ होती है, ये मुझे नहीं पता। मेरा ख्याल है कि वो जो स्टेयरिंग पर बटन्स वगैरह लगे होते हैं जिससे आप विंडोज़ और स्टीरियो और इस तरह की चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। गाइस ये बताइए कि ये यही चीज़ होती है, क्योंकि मेरी गाड़ी के बारे में नॉलेज थोड़ी कम है तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। लेकिन जितना मुझे पता है मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में गाड़ियों के फीचर्स की अगर बात की जाए तो बहुत कम है। मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि टोयोटा करोला मॉडल्स हैं इसका अगर पाकिस्तान में अंदाज़ा लगाएं तो हार्डली 2 एयरबैग्स होते हैं, जबकि पूरी दुनिया में अब 6 का स्टैंडर्ड बन चुका है और इंडिया में 4 या 6 एयरबैग्स मिलते हैं। 4 होते हैं मेरे हिसाब से, मैं नहीं, 4 तो होते ही हैं लेकिन अब ज़्यादातर जो कंट्रीज है ना उनमें 6 का एक स्टैंडर्ड आ गया है। और इसके अलावा जो है मतलब काफ़ी चीज़ें, काफ़ी फीचर्स और हैं जो नहीं हैं। क्रूज सिस्टम अभी तक पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ हैं मेरा नहीं ख्याल कि शायद किसी में क्रूज सिस्टम आता होगा, ठीक है। फिर एक चीज़ और, हाँ बात करें, सॉरी आपकी बात कट रही है। तीसरी जो सबसे मुझे अट्रैक्टिंग चीज़ लगी ना यार, चलो पाकिस्तान में अगर जैसे ये 8 लाख रुपए की गाड़ी बता रहे हैं, इंडिया में पाकिस्तान के पैसों में 19 लाख रुपया बनता है, 19-19.5 लाख के दरमियान की अमाउंट। 19 लाख की गाड़ी ब्रांड न्यू हो और उसमें सनरूफ हो तो, और फिर वो जो आप बता रहे हैं लाइट का, फिर वो वाइपर का भी सिस्टम है ना कि वो रेन जैसी बारिश होती है तो वो सेंसर लगे हुए हैं उसके वाइपर भी अपने आप चलने लगते हैं। 19 लाख की गाड़ी में भाई सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान में 19 लाख की गाड़ी में इस तरह के फीचर्स होंगे, जो फ्रेंकली रिएक्शन है इसमें कोई ऐसी। अच्छा, इसके मुकाबले में उन लोगों ने और भी नाम लिया, किया किए, होंडा किए और दूसरी कंपनियों का रहा है, उनमें भी शायद वो कह रहे हैं नहीं है यार वो। हाँ लेकिन एक चीज़ सिर्फ मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ इसमें, देखें ये इंडिया का अपॉर्चुनिटी, एक तो उनकी अपनी कंपनी है, यानी कि उनकी अपनी कोई मैन्युफैक्चर है, ठीक है ना, बाहर से इम्पोर्ट चीज़ें नहीं करते, ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ होती है। और इसमें जो होता है जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं उनको ये ना कॉस्ट जो ना कम पड़ती है, यानी थोड़ी इजी हो जाती है, यानी कम पैसों में मिल जाती है। देखें पाकिस्तान में तकरीबन क्योंकि अपनी पाकिस्तान में कोई अपनी मैन्युफैक्चर नहीं है, यानी कि अपना खुद नहीं करना, वो बाहर की जो कंपनियां हैं वो मैन्युफैक्चर करती हैं, प्लांट्स लगे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब चीज़ें बाहर से आएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टैक्स वगैरह जो एक्साइज ड्यूटी है पता नहीं क्या क्या चीज़ें लग के ना, वो ज़ाहिर सी बात है वो 8 लाख से इंडियन के मुकाबले में 19 लाख बन जाती है। अगर यही चीज़ अगर मिसाल की बात है, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वही पाकिस्तान में बनने शुरू हो जाए या मिसाल की बात है पाकिस्तान खुद वो करे मैन्युफैक्चर करे तो उसमें कमी हो सकती है। अभी टोयोटा करोला मेरे ख्याल 32 लाख की चल रही है शायद,
शायद ऐसा ही है, 32 लाख रुपए के मुकाबला तो नहीं है। अभी देखा जाए तो इंडिया के साथ हमारा गाड़ियों का वाला साइड मुकाबला तो नहीं है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात उनके अपनी मैन्युफैक्चरर कंपनियां जो भी हैं वहां पे बेस्ट हैं फिलहाल। जो टाटा की कंपनी नहीं है, टाटा है, महिंद्रा है, वो यही कह रहा ना कंपटीशन है, कंपटीशन है ना, तो वही बात है। यहाँ पे तो कोई नेशनल कंपनी नहीं है ना, एक भी कंपनी नहीं है, तो कम से कम एक नेशनल कंपनी हो तो उसके साथ भी कोई ना कोई कंपटीशन करता है। तो बस कंपटीशन सिर्फ इतना है किया होंडा जो बाहर की है, पाकिस्तान की कोई यानी कि ऐसा फिलहाल नहीं है कंपटीशन हो। बहरहाल नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है मुस्तकबिल में। तो गाइस बताइएगा कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। सजेशंस हो किसी और वीडियो पे रिएक्शन आप चाह रहे हो कि हम करें, हमें खुशी होगी। लिंक के साथ ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों से शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही हम अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, बाय बाय, तक के लिए इजाज़त।